नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। तो न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरठ पहुंचेंगे। हिंसा में मारे गए मृतकों के परिवार वालों से मिलने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मेरठ का रुख किया है। सारे गेट क्षेत्र में मृतकों के घर जाएंगे प्रियंका और राहुल। और मेरठ में हुई हिंसा में अब तक करीब 6 लोगों की मौत, और ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से ये दिखाने की कोशिश कि इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों की जान गई उनके परिवार वालों के साथ हम पूर्णतया खड़े हुए हैं, उनके परिवार के सामने ये जो दुख की घड़ी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हुई दिखाना चाहेगी, मृतकों के परिजनों को ढांढस बनाने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए। कहीं ना कहीं सियासतदानों की ये कोशिश कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी, जो कि दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और फिलहाल रास्ते में लिसाली गेट क्षेत्र में दरअसल मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा निकली हैं। उनके साथ उनका भाई राहुल गांधी भी मौजूद है। हाल ही में सीए के मुद्दे पर, एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस जिस तरह से अलग अलग स्थान पर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है, उसी कड़ी में दिल्ली के राजघाट पर भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कमलनाथ हो, गुलाम नबी आजाद हो, अहमद हसन हो, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वहां राजघाट पर मौजूद नजर आए थे और वहां केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया था। सीए को और एनआरसी के मुद्दे पर, इन दोनों ही मुद्दों को देश विरोधी बताया था। और बिजनौर भी इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए गरीब विरोधी सीए कानून को बताया था और इस तरह से उन्होंने सवाल भी पूछा था वहां पत्रकारों से जवाब के दौरान कि मैं केंद्र सरकार से जानना चाहूंगी कि ये जो गरीब लोग हैं ये अपने 1971 से पहले के दस्तावेज आखिरकार कहां से लाए। लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद जनता को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी दस्तावेज की यहां पर आपसे मांग नहीं की जा रही है, भारतीय मुसलमानों का इस कानून से कोई लेना देना ही नहीं है, ये कानून नागरिकता को देने वाला कानून है ना कि लेने वाला कानून। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से अपनी सियासत चमकाने के मकसद के साथ बार बार इस कानून को लेकर जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से दिल्ली के राजघाट पर धरने की बात की जाए, दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ संविधान बचाओ रैली की बात की जाए, हर संभव तरीके से इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें घेरा जा रहा है। ऐसे में अब बिजनौर के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी के साथ रुख किया है मेरठ का। इस वक्त हमारे साथ मेरठ से हमारे ब्यूरो चीफ केके शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। केके, सबसे पहले तो अपडेट बताएं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कहां तक पहुंचे हैं, कितने देर में मेरठ पहुंचने की संभावना है? मेरठ वो आधा से 30 मिनट से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। मुरादनगर उन्होंने क्रॉस कर दिया है, लेकिन हम यहाँ मेरठ के सबसे पुराने इलाके में जहाँ से शुक्रवार की दोपहर के बाद बवाल शुरू हुआ था, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो लिसाड़ी गेट उप शांति समिति के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एस्तो लिसाड़ी गेट प्रशांत कपिल है, और साथ ही साथ आवाजाही जो है यहाँ पर सब नॉर्मल है, लेकिन बताया जा रहा है कि आधा से पौन घंटे में जब यहाँ पर राहुल गांधी आपके साथ के जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि क्या प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई है या फिर मेरठ की सीमा पर ही इन्हें रोक लिया जाएगा? भी प्रशासन इस बारे में कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक हमें अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ है वो कोशिश करेंगे कि वो पुराने इलाके में ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये पूरी कोशिश है पुलिस और प्रशासन की, उनका क्या प्लान है बताने के लिए तैयार नहीं है। बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, लगता है संपर्क हमारा केके से कट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ताजा जानकारी केके ने हमको दी उसके मुताबिक लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर मेरठ तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंच जाएंगे, लेकिन परमिशन उन्हें नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से मेरठ में एंट्री करने को लेकर। केके शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, केके पूरी करें अपनी बात। जी, तो मेरठ पुलिस प्रशासन ने
किसी भी तरीके से प्लान अभी हम उनको पत्रकारों को नहीं बताया, लेकिन कोशिश ये है कि दो एंट्री पॉइंट है मेरठ में, हाँ। और दोनों ही एंट्री पॉइंट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश है, उनको समझाया जाएगा और उसके बाद ही कोई आगे की प्लानिंग की जाएगी। लेकिन मेरठ के मार्केट की बताइए वो इलाका जहाँ पर हम खड़े, मैं अपने सहयोगी सौरभ से कहूंगा सर इसे घुमाएं दिखाएं कि यहाँ पर आम जनजीवन बिल्कुल नॉर्मल है, और जो प्रशांत कपिल है थाना लिसाड़ी गेट के हैं तो वो यहाँ पर मुअज्जिज लोगों के साथ बैठकर सब लोगों को समझा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी तरीके की चीजें कहीं पर कोई जाम ना लगे, इस बात की स्थिति है। ऐसे तो प्रशांत कपिल हमारे साथ है सर, शांति समिति के साथ बैठक चल रही है सर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कोई अपडेट आया है आपके पास? जी, तो हमें एसओ प्रशांत कपिल ने बताया कि सूचना मिल चुकी है कंसर्न थाने को कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मृतक परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वहां पर पूरा ध्यान रखा जाए, इसलिए एसओ लिसाड़ी गेट प्रशांत कपिल खुद मौके पर है, लोगों को समझा रहे हैं किसी तरीके कोई नारे ना लगे, कोई बदमनी ना हो, इसकी पूरी ताकीद कर दी गई। बिल्कुल, जिस तरह से के आप बता भी रहे हैं कि माहौल यहाँ पर पूरी तरह से शांत है, लगता है एक बार फिर से संपर्क हमारा के से कट गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मेरठ में हुई हिंसा में अब तक तकरीबन 6 लोगों की मौत हुई है, ऐसे में प्रशासन अब वहां बिल्कुल नहीं चाहेगा कि माहौल किसी भी तरह से अशांत हो, सियासी लोगों के वहां पहुंचने के बाद किसी भी तरह की कोई भी अशांति भड़के, ऐसे में जाहिर सी बात है संवेदनशील माहौल होने के बाद वहां पर परमिशन नहीं दिए जाने की बात फिलहाल कही जा रही है। लेकिन के जैसे आप बता रहे हैं कि मेरठ के 2 एंट्री गेट्स हैं, दोनों एंट्री गेट्स पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है, वहां पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर लगा दिया गया है ताकि उनको अंदर एंट्री ना दी जाए, लेकिन अगर वहां पर वो लोग जिद पर अड़ जाते हैं तो फिर कैसे निपटेगा? इसके लिए अभी तक हमें पुलिस और प्रशासन ने कोई भी बात नहीं बताई है कि कैसे उनको रोका जाएगा, लेकिन हर तरफ कोशिश ये है कि वो उन लोगों से ना मिले जिनके यहाँ पर नुकसान हुआ है। हम यहाँ पर मेरठ के उसी इलाके में ट्यूबे कॉलोनी पर है, लिसाड़ी रोड पर है, आप पुलिस के साथ देख रहे हैं कि कितनी यहाँ पर मीटिंग चल रही है, मीटिंग के जरिए कोई भी ऐसी बात उन लोगों के सामने ना पहुंचे जो राजनीतिक मुद्दा बने, इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। वैसे तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ तक ना पहुंचे, जो हमें बिल्कुल प्रशासन की पूरी पूरी कोशिश राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां ना पहुंची, क्योंकि जो शांत माहौल फिलहाल मेरठ में बरकरार है उसमें कोई भी अशांति ना फैले, किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का मामला सामने ना आए जिस वजह से सियासतदानों की तरफ से की गई बयानबाजी के चलते कुछ भी वहां पर हो जाए। के शर्मा लगातार हमारे साथ मौजूद है, के एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। के ये बताए वहां पर सारी तैयारियां तो कर ली गई है, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को मेरठ में नहीं आने दिया जाना चाहता, प्रशासन नहीं चाहेगा कि वो अंदर आए, उनको एंट्री अंदर दी जाए, ऐसे में वहां पर जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे निपटने को लेकर तैयारियां है वहां नहीं है, कितनी भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, या फिर कोई बड़ा उच्च अधिकारी वहां पर कोई आला अधिकारी वहां पर मौजूद नजर आ रहा है जो सीधे तौर पर प्रियंका से बात कर पाएगा, राहुल गांधी से बात कर पाएगा, उन्हें मनाया जाएगा? जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर ये लोग पहुंचने वाले, अभी पुलिस अधिकारी दोनों ही एंट्री पॉइंट्स पर नहीं पहुंचे, लेकिन वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है, थानों की पुलिस पहुंच चुकी है, आरएएफ पहुंच चुकी है, और वो कोशिश कर रही है यहां पर लोगों को समझाने के लिए कि अगर किसी भी स्थिति से कैसे भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एंट्री कर जाते हैं तो उसके बाद की स्थिति को संभाला जाए। पहले तो कोशिश पुलिस और प्रशासन की यही रहेगी कि यहाँ के माहौल का हवाला देकर उनको समझाया जाए कि मामला अभी सेंसिटिव है, आपका बात करना सही नहीं है और कानूनी आपको परमिशन नहीं है, पहले तो यही समझाया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कि जिस तरीके से बिजनौर में प्रियंका गांधी मिली है पीड़ित परिवार तक, यहाँ पर भी पहुंच जाती है, उसके लिए इंतजाम पूरे अच्छी तरीके से किए गए हैं। पुलिस आप मेरे पीछे देख रहे हैं और यहाँ पर सीओ भी आ गए, मैं आपसे दिखाऊंगा कि ये सीओ भी आ गए, लेकिन ठीक है के ये बताए कि वहां पर मेरठ में हिंसा की आग अभी ढंग से शांत भी नहीं हुई है, ऐसे में इन दोनों को वहां पर जाने की जरूरत क्या आन पड़ी? जी ये तो वोट बैंक की राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति है,
जो प्रियंका कोशिश कर रही है कि मुस्लिम एक बार फिर उनकी पार्टी के साथ आकर जुड़े, क्योंकि 86 और उसके बाद बिहार में और फिर शाहबानों के मुस्लिम जितने थे वो सब छिलकते जा रहे थे। अब ये एक मुद्दा मिला है एनआरसी और सीएए को लेकर कि किसी तरीके से कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को अपने साथ जोड़ ले, और ये इसमें काफी हद तक यानी कि कांग्रेस को जनता की कोई फिक्र नहीं है, वहां पर माहौल कितना संवेदनशील है इस बात की कोई चिंता नहीं है, बस चिंता है तो अपनी सियासत चमकाने की, और इसी मकसद के साथ प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने वहां मेरठ का रुख किया है। प्रशासन के सामने ऐसे में बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे इस स्थिति से वो निपट पाता है। बहुत शुक्रिया आपका के शर्मा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखे, आगे भी मैं आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तब से बस थोड़ी ही देर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरठ सीमा पर पहुंच जाएंगे, अंदर उन्हें एंट्री मिलती है या फिर नहीं, पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। मेरठ में कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां ब्रह्मपुरी के गुलजारी इब्राहिम गली नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचेंगे। बवाल में मारे गए 5 मृतकों के परिजनों से दरअसल वो मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में मेरठ पहुंच जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ऐसे में वहां कांग्रेसियों का जमावड़ा लग गया है। कांग्रेसी वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आने का समर्थन कर रहे हैं, और इसके मद्देनजर गली नंबर 3 में, ब्रह्मपुरी के गुलजारी इब्राहिम गली नंबर 3 में, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाना है, वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा पहले से ही लग गया है। इस तरह से राहुल गांधी प्रियंका गांधी मेरठ के लिए निकले हुए हैं, कहा जा रहा है कि लगभग आधे घंटे के अंदर मेरठ वो पहुंच जाएंगे जहां पर उन्हें जाना है। ब्रह्मपुरी के गुलजारी इब्राहिम गली नंबर 3 में प्रियंका गांधी राहुल गांधी को एक मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए आना है। ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता कि कोई भी सियासतदान इस तरह से वहां पर अंदर मेरठ की सीमा में एंट्री करे, क्योंकि संवेदनशील माहौल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। हाल ही में मेरठ में जो हिंसक प्रदर्शन हुए, 6 लोगों की जिसमें जान चली गई, ऐसे में बड़ी मुश्किल से बड़ी कड़ी मशक्कत के साथ मेरठ पुलिस ने माहौल को वापस पटरी पर लाने का काम किया है। ऐसे में प्रशासन कोई भी चूक इसमें नहीं चाहता है, कोई भी लापरवाही कोई भी कोताही बरतने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी को मेरठ सीमा के बाहर ही रोक दिया जाए। मेरठ में एंट्री करने के 2 पॉइंट्स हैं, दोनों ही पॉइंट्स पर पुलिस लगा दी गई है, प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, ताकि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बातचीत करते हुए उन्हें मनाया जा सके और उन्हें वापस भेजा जा सके। देखने वाली बात होगी कि वो वापस जाते हैं या फिर मेरठ में अंदर एंट्री करने को लेकर अड़ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में हुई हिंसा पर श्रीकांत शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। बवाल ताकने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और मदद करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी योगी सरकार। जो दल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे वो दल फ्लॉप हो गए हैं। पत्थरबाजी और बवाल करने वालों के आकाओं पर भी कार्रवाई करने की बात श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उनकी तरफ से कही गई है। इस तरह से एक बार फिर से बेहद कड़ा संदेश योगी सरकार की तरफ से श्रीकांत शर्मा ने भी देने की कोशिश की कि जो जो लोग उत्तर प्रदेश में भड़की हिंसा में उपद्रव मचाते नजर आए, उत्पात काटते नजर आए, उन पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है सरकार, और उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। देखिए, सबका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है, जिन जिन लोगों ने बवाल काटा है उन सबको चिन्हित किया जा रहा है, और सबको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी, क्योंकि षड्यंत्र के तहत लखनऊ को, प्रदेश को जलाने का काम उपद्रवियों द्वारा किया गया था, और उसके पीछे जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं वह राजनीतिक दल, जिनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है, वो लोगों को गुमराह करके बरगला कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। लेकिन ये संपत्ति, ये प्रदेश हम सबका है, यहाँ पर कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, पुलिस पर पथराव करेगा, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। देखिए,
और उनकी आकाओं की भी कहीं ना कहीं सूत्र मिल रहे हैं, उनकी आकाओं को भी जल्दी पकड़ा जाएगा। बचेगा नहीं कोई। जिन जिन लोगों ने प्रदेश शांत प्रदेश को अशांत करने की कोशिश की है, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर दिल्ली के जामिया मिलिया में सीएए के विरोध में 15 दिसंबर को हुई पुलिसिया कार्रवाई की बात जैसे ही फैली, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सैकड़ों लड़कों ने कैंपस के बाहर निकलकर हंगामा करना शुरू कर दिया था, पथराव करना शुरू कर दिया था। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखिए, ये देखिए कैसे पुलिस की बैरिकेडिंग को यहां पर तोड़ने की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज में ये कैद हुआ है, गेट तोड़ते हुए छात्र नजर आ रहे हैं, छात्र को अंदर खदेड़ दिया था पुलिस प्रशासन ने वहां पर, और परमिशन मिलने के बाद कैंपस में प्रवेश करके कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया था। पुलिस पर आरोप लगा कि उसने एमयू का मुख्य द्वार तोड़कर अंदर प्रवेश किया था और छात्रों के साथ बर्बरता की थी। लेकिन यहां पर हंगामा कौन करने की कोशिश कर रहा है, स्थिति को खराब करने की कौन कोशिश कर रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वो छात्र जो गेट के पास लगी हुई पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कुछ इस तरह से उपद्रव वहां पर मचाते नजर आए, इतना हंगामा करते वहां नजर आए। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसको लेकर फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने जब छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही तो छात्र उल्टा भड़क उठे। उन्होंने उल्टा वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी और अब ये तमाम छात्र अपनी दबंगई पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं कर देते हैं, अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन ये देखिए, ये आप खुद देख सकते हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, इस वीडियो में इन छात्रों की सच्चाई साफ तौर पर देखी जा सकती है। उधर लखनऊ में 24 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई है और 15 दिन में मनरेगा भुगतान को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जी हां, श्रीकांत शर्मा की तरफ से खुद इस बात की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि समय से मनरेगा भुगतान न करने वाले अधिकारियों के वेतन से भुगतान किया जाएगा ताकि वो लापरवाही ना बरते। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना को भी मंजूरी दे दी गई है और अब 86,000 करोड़ रुपए से घर घर पाइप पेयजल योजना भिजवाई जाएगी। इस योजना की शुरुआत की जाएगी, जेईई से प्रभावित गांव में पाइप पेयजल व्यवस्था शुरू होगी। इस तरह से श्रीकांत शर्मा ने यह स्पष्ट किया कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के 9 जिलों में पेयजल पाइपलाइन योजना जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। श्रम विभाग के सेवा योजना अधिकारियों की सेवा नियमावली संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। यही नहीं, 2 नगर निगमों और 5 नगर पालिका के सीमा विस्तार, 5 नई नगर पंचायतें बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। हरदोईओरेटा में मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव पर भी अंतिम मोहर लगाते हुए उसे हरी झंडी दिखा दी गई। इस तरह से आज की योगी कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन्हें पास करवाया गया। उधर बिजनौर में नागरिकता कानून पर हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 215 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में 75 उपद्रवियों की वीडियो से पहचान की गई। शांति के लिए पुलिस ने नुक्कड़ सभाएं भी वहां पर की। जिले में स्थिति सामान्य करने के लिए बकायदा पुलिस की तरफ से वहां पर लगातार फ्लैग मार्च किया जाता रहा और अब भी किया जा रहा है ताकि जो शांति व्यवस्था वहां पर बनाई गई है उसे कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी अराजक तत्व बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। 215 ऐसे उपद्रवी जिन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। बकायदा हिंसा से जुड़े हुए जितने भी वीडियो सामने आए हैं, जितनी भी तस्वीरें सामने आई है, उनके आधार पर एक एक उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, उन्हें चिन्हित करते हुए उनका नाम पता खोजा जा रहा है, उन तक पहुंचा जा रहा है, छापेमार कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ा जा रहा है और इस तरह से इन उपद्रवियों को इनके किए की सजा देने के लिए पुलिस इन्हें गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज रही है। इस तरह से बिजनौर में पूरी तरह से एक्शन के मोड में है यूपी पुलिस। जनपद बिजनौर में जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई थी, इसमें छोटे छोटे बच्चे आगे थे। ये भीड़ थोड़ी देर में उग्र हो गई, सड़क पर नारेबाजी, पथराव, मारपीट राहगीरों के साथ और आगजनी करने लग गई। इस भीड़ को पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करके पूरी स्थिति को जल्दी ही नियंत्रण पा लिया गया। आज स्थिति बिल्कुल सामान्य है,
लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। पुलिस बल जो है लोगों को जगह जगह नुक्कड़ मीटिंग करके आश्वासन दे रहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और सिर्फ जो बदमाशी किए हैं सड़कों पे, जो उपद्रवी थे, उन्हीं को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जनपद में 32 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, 215 लोगों को अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करके जेल भेजा गया है और अन्य अभियुक्तों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस कार्रवाई चल रही है। जनपद जो है, जनपद में हर बिजनौर से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता फैसल खान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। फैसल, बिजनौर में पूरा प्रशासन एक्शन के मोड में दिख रहा है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश, कड़ा संदेश उन तमाम उपद्रवियों को जिन्होंने इस तरह से उपद्रव मचाते हुए जमकर हंगामा किया, हिंसा को भड़काया, अब उनसे एक एक पाई पाई वसूली जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अब तक जिले के प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया है और 215 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं और 75 उपद्रवियों की वीडियो में पहचान हो चुकी है। बिल्कुल शांति का माहौल बिजनौर में बना हुआ है। बात करें अगर ऐसे, संजीव कुमार त्यागी ने 3 लोगों पर इनाम तक घोषित किया है 25-25 हजार का, जिसमें मौलाना फुरकान है, दूसरे हैं जावेद आफ्ताब और तीसरे हैं आदिल उर्फ चुइया। ये 3 लोगों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते बिजनौर में शांति का माहौल कायम बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों से मिलेंगे बीएसपी नेता। जी हां, मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी बीएसपी मुनकाद अली को अधिकृत किया गया है कि प्रदेश भर में सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान जहां जहां लोग मारे गए हैं वो हर जगह जाकर पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ मिलते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात करे, उन्हें सांत्वना दे कि इस दुख की घड़ी में बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी है।